हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 365 डेज ये 2020 की इटालियन पोलिश मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक गैंगस्टर एक लड़की को देखता है और उसके पैर में पड़ जाता है। जब वो उसे मिल जाती है तो 365 डेज के लिए उसे किडनैप कर लेता है। ये मूवी समवॉट रोमांटिक ड्रामेटिक मूवी है। 365 डेज इसी नाम के नॉवेल पर ये बेस्ड है। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर आप डायरेक्टली ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बीच हाउस दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो गैंग के बीच में मीटिंग चल रही है। इस मूवी का हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसका नाम है मसीमो। यहाँ इस मीटिंग में मसीमो के फादर दो लोगों से बात कर रहे हैं। इन दो गैंगस्टर ने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप कर लिया है, पर उन्हें कंट्री से बाहर ले जाने में इन्हें बड़ी सी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मसीमो के फादर के पास वो आए हुए है। मसीमो के फादर एक बड़े माफिया गैंग के बॉस है, तो ये सब वो कर सकते हैं, पर उन्हें ये सही नहीं लगता। ये उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि इनके रूल्स के वो खिलाफ है। जब ये मीटिंग चल रही है तब मसीमो बीच पर लॉरा को देखता है। लॉरा ये हमारी मेन कैरेक्टर है। मसीमो उसे देखकर बहुत ही अट्रैक्टेड होता है। मसीमो के फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि दोनों बहुत ही घटिया लोग थे, पर फिर भी हमें इनके साथ बिजनेस करना ही पड़ेगा, आगे चलकर हमारे काम में ये आ सकते हैं। लॉरा को देखते हुए मसीमो को उसके फादर नोटिस करते हैं। मसीमो के फादर कहते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, पर फिर भी तुम्हें जरा केयरफुल रहना पड़ेगा, खूबसूरती तुम्हें बर्बाद कर छोड़ सकती है। फादर मसीमो को जरा सीरियस होने के लिए कहते हैं। सब बिजनेस फादर को ही संभालना पड़ता है और मसीमो ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। आगे चलकर मसीमो को ही सब कुछ रन करना पड़ेगा, इसलिए उसे कहते हैं कि अब जरा तुम सीरियस हो जाओ। ये दोनों बात ही कर रहे हैं तभी मसीमो के फादर को गोली लग जाती है। ये गोली किसने चलाई थी ये हमें पता नहीं चलता, पर इसमें मसीमो भी इंजर्ड हो जाता है। फादर की यही डेथ होती है, पर मसीमो बच जाता है। इसके बाद थोड़े दिन गुजर चुके हैं। मसीमो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। उसकी उसके अकाउंटेंट से मीटिंग चल रही है, ये हम देख सकते हैं। उसके अकाउंटेंट उसे कहते हैं कि आपके फादर के मर जाने के बाद उनकी सिर्फ 30% रेवेन्यू आपको मिलेगी। मसीमो कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ पैसे दे दिए थे, उससे क्या करना था ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे ये मत बताओ कि मुझे सिर्फ 30% ही मिलने वाले हैं। मसीमो पर कोई भी एग्री नहीं करता, तो सबकी फाइल मसीमो के पास है। इन फाइल्स में कई लोगों के अफेयर्स भी होते हैं। मसीमो फिर कहता है कि तुम्हारी भी बड़ी कंपनी है, अगर मैं सब आउट पब्लिकली कर दूंगा तो सब शेयर तुम्हारे भी डूब जाएंगे, और बचे खुचे पैसों में से तुम्हारी कंपनी में बाय कर लूंगा और तुम्हें ही फायर करूंगा। सब डर जाते हैं। मसीमो कहता है कि जो भी सब पैसे है वो सब मुझे मिल जाने चाहिए, और उस पर वो 10% इंटरेस्ट भी लेने वाला है। इस सीन से मसीमो किस तरह का स्ट्रांग कैरेक्टर है ये हमें पता चलता है। इसके पैरेलल सीन में लॉरा एक मार्केटिंग मीटिंग में है। लॉरा की कंपनी में एक बड़ा सा लॉस हुआ है। उसका कोवर्कर उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है। लॉरा इजिली विक्टिम हो जाए इस तरह का कैरेक्टर नहीं है। वो भी यहाँ फाइट करती है, जो फैक्ट जिस तरह से थे वो उसी तरह से कहती है। उसका जॉब जाने वाला था पर उसे वो सेव कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरा अपने घर आती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है, आज वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि कल हमारी फ्लाइट है, तुम जरा आज आराम कर लो। इनकी रिलेशनशिप कई दिनों से सही नहीं चल रही, इस वजह से एक ट्रिप लेना चाहते हैं। लॉरा फिर रात में अपने आप को ही प्लीज कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरा और उसका बॉयफ्रेंड हॉलीडे के लिए आ चुके हैं। लॉरा का बॉयफ्रेंड उसे डिनर के लिए लेकर जाता है। यहाँ लॉरा के फ्रेंड्स भी है, उसके लिए एक बड़ा सा टोस्ट करता है। ये सब बात ही कर रहे हैं तभी हम देखते हैं कि उनके लिए शैंपेन की बॉटल आती है। इन्होंने ऑर्डर नहीं की, पर किसी ने उन्हें गिफ्ट की है। लॉरा थोड़ी देर में वॉशरूम जाती है, यहाँ वो मसीमो से टकराती है। इससे हम बोल सकते हैं मसीमो ने ही वो बॉटल उसे भेजी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट सुबह लॉरा अपनी फ्रेंड ओल्गा के साथ हैंग आउट करती है। लॉरा का बॉयफ्रेंड उसे बाहर लेकर जाने वाला था, पर वो अकेला ही चला गया। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। लॉरा कहती है कि उसके लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज है, पर उस प्रायोरिटीज की लिस्ट में कभी भी मैं फर्स्ट नंबर पर नहीं आती। लॉरा का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है। लॉरा उसे कन्फ्रंट करती है। वो कहता है कि तुम्हारी हार्ट कंडीशन है, इसी वजह से ज्यादा तुम एक्टिविटी नहीं कर सकती। लॉरा को सचमुच एक हार्ट कंडीशन है। लॉरा कहती है हर बार तुम हर कन्वर्सेशन को सिर्फ मेरे हार्ट कंडीशन पर ही नहीं ब्लेम कर सकते। उस पर गुस्सा होकर वहां से वो चली जाती है। रात में वो अकेले शॉपिंग कर रही थी तभी कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। डायरेक्टली नेक्स्ट रात ही वो उठती है। वो समझ नहीं पाती कि वो कहाँ है। आसपास देखती है, सब घर ढूंढती है। जब वो लिविंग रूम में आती है तब उसका बड़ा सा पोर्ट्रेट वहां लगाया हुआ है। यहाँ पर मसीमो उसके पास आ जाता है। लॉरा डर जाती है, तुम हो कौन, यहाँ मुझे क्यों रख रहे हो।
मसिमो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पर एक चीज तुम ध्यान रखना, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता। अब मसिमो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। मसिमो कहता है, कुछ मन पहले मैंने तुम्हें बीच पर देखा था, तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। उसके बाद मुझे गोली लग गई और मैं हॉस्पिटल में था। मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, पर तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। उस इंसिडेंट को 2-3 साल गुजर चुके हैं, इतने सालों तक तुम्हें ही मैं ढूंढ रहा था। मसिमो अपने बिजनेस के लिए घूमता रहता है, तो इसीलिए लॉरा को उसने देख लिया था और उसने उसे किडनैप कर लिया। लॉरा कहती है कि मैं कोई चीज नहीं हूँ, ऐसे तुम मुझे पा नहीं सकते। मसिमो कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें 1 साल देना चाहता हूँ। 1 साल में तुम अगर मेरे पैर में नहीं पड़ी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लॉरा कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी लाइफ है, ऐसे कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। लॉरा के बॉयफ्रेंड का चक्कर चल रहा था, उसकी सब फोटो मसिमो लॉरा को दिखाता है। उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, पर फिर भी वह करने के लिए राजी नहीं है। वो रेजिस्ट करती है और मसिमो की गन अपने हाथ में ले लेती है। मसिमो उसे कंट्रोल कर लेता है। मसिमो कहता है, हमेशा मुझे जो भी चीज चाहिए थी वो मैंने पा ली है, मुझे कभी भी गुस्सा मत दिलाना वरना बहुत बुरा होगा। ये लॉरा से बात कर रहा था तभी मसिमो के आदमी वहां आ जाते हैं। एक इशू है जो उन्हें सॉर्ट आउट करना है। मसिमो फिर अपने बेसमेंट में आया हुआ में दिखता है। मूवी के फर्स्ट में हमने कुछ लोग देखे थे जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग करना चाहते थे। मसिमो के फादर ने उन्हें मना किया था, पर फिर भी ये कर रहे थे। जिसने किया था उस आदमी को यहाँ पकड़ कर रखा है। मसिमो कहता है, मेरी बिजनेस से तुम कुछ चुरा लेते तो भी शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुमने जो किया है बहुत ही गलत किया है। लॉरा इस जगह से भागने की कोशिश करती है। वो बाहर आती है तभी मसिमो इस आदमी को मार रहा होता है। ये मर्डर देखकर उसे चक्कर आ जाती है। नेक्स्ट सुबह जब लॉरा उठती है तब उसके पास मसिमो बैठा हुआ है। उसे कहता है, जो तुमने देखा तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ, जिसको भी मैंने मारा है वो ये डिजर्व करता था। लॉरा जल्दी से इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएगी, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया है। वो मसिमो को कहती है कि मुझे मेरा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए। मसिमो कहता है कि मुझे अच्छा आइडिया नहीं लगता, जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मसिमो कहता है, तुम्हारा सब सामान मैं यहाँ ला चुका हूँ, मेरा आदमी डोमिनिको हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो भी चीजें तुम्हें चाहिए होगी वो सब ला कर देगा। लॉरा जब लंच के लिए आती है तब उसके लिए बहुत सारी चीजें बनवाई हुई है। थोड़ी देर में मसिमो उसके पास आता है और कहता है कि आज मुझे जरा काम है तो तुम मेरे साथ चलोगी। लॉरा कहती है, तुम्हारे साथ मैं कहीं भी नहीं आने वाली। मसिमो बोलता है कि मैंने पूछा नहीं था, एक ऑर्डर था, और उसे जबरदस्ती लेकर जाता है। मसिमो का काम हो जाने के बाद लॉरा उसे बहुत सारी शॉपिंग करवाती है। शॉपिंग करते वक्त एक शॉप से वो भागती है और पुलिस के पास आती है। जब मसिमो वहां पहुंचता है तो पुलिस भी उसे इग्नोर कर देते हैं। मसिमो उसे कहता है कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, अगले नेक्स्ट साल तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, तो जल्द से जल्द तुम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी इजी होगा। तुम्हें जो लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, इस तरह से मैं नहीं हूँ। लॉरा फिर कहती है कि मुझे जल्द से जल्द मेरा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए। उसे एक डिश पसंद है तो बनवाने के लिए कहती है। लॉरा अब थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर रात में डिनर के लिए आती है। वो मसिमो से पूछती है कि अगर मैं 1 साल तक यही रहने वाली हूँ तो तुम करते क्या हो, तुम कौन हो, ये तो मुझे पता होना चाहिए। मसिमो कहता है कि जितना तुम्हें कम पता हो यही सही होगा, पर फिर भी उससे कहता है कि मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, अलग अलग बिजनेसेस है, तुम मुझे एज ए बिजनेसमैन कहीं भी इंट्रोड्यूस करा सकती हो। मसिमो फिर लॉरा के पास आता है, कहता है कि जेंटल बनने में मुझे तुम जरा हेल्प करना। लॉरा रात में अपने बेडरूम में आती है तब उसका लैपटॉप और फोन उसे मिल चुका है। वो अपने मदर को और फ्रेंड्स को कॉल कर देती है। उसके बॉयफ्रेंड के रूम में मसिमो ने ऑलरेडी एक लेटर रखवाया था जिसमें लिखा था कि लॉरा उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं ढूंढ रहा था। लॉरा सबको इन्फॉर्म करती है कि एक नई कंट्री में उसे जॉब मिल चुका है और सबको वो जल्दी से जल्द मिलने के लिए आएगी। लॉरा जब सोती है तो मसिमो उसके पास आकर सो जाता है। सुबह होने पर लॉरा यह नोटिस करती है। अब मसिमो को चिढ़ाने के लिए उसके सामने ही नहाती है। मसिमो ने उसे कहा है कि जब तक वो उसे अलाउड नहीं करेगी तब तक वो उसे टच नहीं करेगा, तो उसे पूरी तरह से वो चिढ़ाने वाली है। मसिमो चिढ़कर उसे कहता है कि हमेशा मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, तुम मुझे ज्यादा चिढ़ाओ मत वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। आज मसिमो जरा बाहर जाने वाला है तो लॉरा को भी अपनी फ्लाइट में लेकर जाता है। लॉरा रजिस्ट कर रही थी तो उसे उसने पूरी तरह से बांध दिया है। यह इस फ्लाइट में उसे रिजाने की कोशिश करता है तो फिर से उसे कहता है, जब तक तुम मुझे हाँ नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला। मसिमो को एम्बैरस करना यही लॉरा का मिशन बन चुका है। मसिमो जब अपने ब्रदर से बात कर रहा होता है तब लॉरा वहां आती है।
बहुत ही अनअप्रोप्रिएट तरीके से आइसक्रीम खाती है। सब लोगों के सामने फाउंटेन में जाकर नहाती है। मसीमो बहुत चिढ़ जाता है। रात में एक रूम में वो उसे लेकर जाता है। यहाँ पर बेड से जबरदस्ती उसे बांध देता है। लॉरा को कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम मिस कर रही हो। एक लड़की को वो अंदर बुलाता है, उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ये उसकी लॉरा को जेलस फील कराने की एक कोशिश है। थोड़ी देर में अब इन्हें क्लब में जाना है। लॉरा फिर से मसीमो को एम्बेरस करने के लिए एक छोटी सी ड्रेस पहनती है। मसीमो यह देखकर फिर से चिढ़ता है। जब वो क्लब में जाते हैं तो मसीमो के सामने एक दूसरे आदमी के साथ वो फ्लर्ट करती है। थोड़ी देर में ये आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। मसीमो गुस्सा आता है, इस आदमी को बहुत मारता है। उसके हाथ पर ये गोली भी चला देता है। मसीमो के फादर का एक फ्रेंड है जो इनके लिए काम करता है। उसके फादर फिगर ही वो है। मसीमो को कहते हैं कि जिस आदमी को तुमने मारा वो हमारे राइवल गैंग का एक मेंबर है। तुमने जो किया है इसी वजह से अब वॉर स्टार्ट हो चुकी है। लॉरा ये सब सुन रही थी। उसे लगा कि मसीमो ने उस आदमी को मार डाला। मसीमो उसे समझाता है पर कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। इन दोनों में फाइट हो जाती है। लॉरा गुस्से में इस यार्ड से जंप मार देती है। मसीमो उसे बचा लेता है। लॉरा को जब होश आता है तो मसीमो कहता है कि मैं फिर से नहीं होने दूंगा। एक बार मैंने तुम्हें खो दिया था, फिर से मैं तुम्हें नहीं खो सकता। लॉरा को रियलाइज होता है कि मसीमो सचमुच में उससे बहुत प्यार करता है। लॉरा भी अब मान जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बहुत सारे दिन वो यही यार्ड पर बिताते हैं। एक दिन मसीमो लॉरा को कहता है कि हमें पार्टी में जाना है। यह एक गाला पार्टी है, इसका मतलब है सब लोग मास्क वगैरह पहनकर डांस करने वाले हैं। लॉरा को मेकओवर देने के लिए स्पेशल आदमी बुलाए जाते हैं। लॉरा बहुत खुश होती है। रात में ये दोनों गाला में आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डांस करते हैं। इन दोनों के पास एक लड़की आती है। ये मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये मसीमो से कहती है कि लास्ट में तुमने उसे पा ही लिया है। ये लॉरा को मार डालेगी ये कहकर वहां से चली जाती है। लॉरा पूछती है कि ये कौन थी। मसीमो कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लॉरा पूछती है कि तुमने ब्रेकअप कब किया। मसीमो कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें देखा उसी दिन मैंने ब्रेकअप कर लिया। मसीमो ने 2-3 साल तक लॉरा की फोटो अपने बेडरूम में रखी थी। सबको लगता था कि लॉरा कभी भी उसे नहीं मिलेगी, इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को भी लॉरा के बारे में पता था। लॉरा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और दोनों घर आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मसीमो लॉरा से कहता है कि बहुत दिन हो चुके हैं, तुमने फ्रेंड्स अपनी फैमिली से नहीं मिली, तो उसके लिए वो टिकट वगैरह बुक कर कर देता है। वहां से जाते जाते उसे आई लव यू कहता है। लॉरा अब अपनी कंट्री में आ चुकी है, अपनी फ्रेंड ओल्गा से मिलने के लिए जाती है। ओल्गा से सब कुछ वो झूठ कहती है। उसे अच्छी जॉब मिल चुकी है और अच्छा बॉयफ्रेंड भी है, ये सब उससे कहती है। सब चीजें शुगर कोट कर कर उसे बताती है, पर उसकी फ्रेंड भी स्मार्ट है। ओल्गा कहती है कि ये सब बातें तुम्हारे पास ही रखो, सचमुच में क्या हुआ ये तुम मुझे बताओ। इसके नेक्स्ट सीन में लॉरा हमें डायरेक्टली रोती हुई दिखती है। वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ सच सच बता देती है। उसकी फ्रेंड को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। लॉरा को चीयर अप करने के लिए ओल्गा उसे बाहर लेकर जाती है। ये मसाज करवाते हैं, न्यू हेयर कट करते हैं। ये दिन बहुत ही अच्छा सा बिताते हैं। रात में जब वे पार्टी करने के लिए क्लब में आते हैं तब लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ है। लॉरा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है तुमने जो सब फोटो देखी वो सब गलत है, मैं नशे में था इसी वजह से ये सब हो गया। लॉरा का पीछा करते करते वो उसके अपार्टमेंट तक आ जाता है। लॉरा उसे जाने के लिए कहती है पर वो जा नहीं रहा होता। यहाँ इस अपार्टमेंट में मसीमो ऑलरेडी आ चुका था। लॉरा का बॉयफ्रेंड ये देखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। लॉरा अब मसीमो से कहती है कि अब मुझे 1 साल नहीं चाहिए। वो भी उससे प्यार करती है। सुबह होती है तो लॉरा नोटिस करती है कि उसके फिंगर में ऑलरेडी रिंग है। वो पहले सरप्राइज्ड होती है पर मसीमो उसे शादी करने के लिए उससे पूछता है। लॉरा भी उसे हाँ कह देती है। लॉरा की एक फ्रेंड की शादी है, वहां पर वो मसीमो को भी लेकर आती है। लॉरा के मदर और फादर यहाँ प्रेजेंट है। लॉरा एक्चुअल में पोलिश है और मसीमो इटालियन। लॉरा के मदर फादर को मसीमो की लैंग्वेज नहीं पता और मसीमो को उनकी। लॉरा मसीमो को अपने मदर फादर से इंट्रोड्यूस करवाती है। फादर पूछते हैं कि करता क्या है। मसीमो कहता है कि मैं गैंगस्टर हूँ, पर लॉरा के मदर फादर को समझ में नहीं आता। लॉरा अब सबसे मिल चुकी है तो फिर से वो इटली आ जाते हैं। इन दोनों ने डिसाइड किया है कि इनकी शादी इसी कंट्री में होगी। लॉरा नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मसीमो एक्चुअल में करता क्या है, इसी वजह से अपनी वेडिंग पर वो किसी को भी नहीं बुलाने वाली, सिर्फ उसके फ्रेंड को पता है तो उसे इनवाइट वो करने वाली है। ये सब वो मसीमो को कहती है और मसीमो भी इसके लिए एग्री करता है। जब मसीमो और लॉरा बात कर रहे थे तब मसीमो का एडवाइजर भी वहां है। लॉरा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये एडवाइजर कहता है कि हाँ हम इटालियंस है,
मासूम की शादी तुमसे हो ये कोई भी नहीं चाहता। ये कुछ पर्सनल नहीं है, पर इससे हमारे बिजनेस पर कुछ फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरा की फ्रेंड ओल्गा यहाँ आ चुकी है। लॉरा अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी फ्रेंड उससे बहुत ही चिढ़ जाती है। उसे कहती है कि तुम मेरी लाइफ के साथ कर क्या रही हो, तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा पर तुम एक गोल्डन केज में हो। तुम्हें अब यह सब सही लग सकता है पर आगे चलकर फ्यूचर में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। लॉरा इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती। उसकी फ्रेंड भी उसे समझ लेती है। वो मजाक में कहती है कि एटलीस्ट तुम्हारे बच्चे तो खूबसूरत आएंगे, वो स्मार्ट नहीं होंगे पर खूबसूरत होंगे। ये दोनों इस पर बहुत हंसती है। लॉरा और ओल्गा फिर वेडिंग शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करते हुए बहुत मजे करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मसीमो के एडवाइजर को कॉल आता है। वो बहुत ही टेंशन में है। वो जल्दी भागकर मसीमो के पास जाता है। लॉरा की जान को खतरा है ये उसे कहता है। लॉरा और ओल्गा दोनों गाड़ी में थी। लॉरा ओल्गा से कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, ये वो मसीमो को कहने वाली है। इन दोनों की गाड़ी हमें टनल में जाती हुई दिखती है। मसीमो को अभी अभी पता चला है कि लॉरा डेंजर में है। उसे वो कॉल करने की कोशिश करता है पर कॉल लग नहीं पाता। वही नीचे गिरकर वो रोने लग जाता है। लॉरा टनल में गई थी पर टनल के बाहर हम पुलिस की गाड़ी देखते हैं, यानी कि लॉरा को कुछ हो चुका है। यही ये मूवी एंड कर देते हैं। एक्चुअल में एक बुक सीरीज है जिसमें 3 बुक्स है। नेक्स्ट पार्ट की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी पर COVID-19 की वजह से अब वो जरा रुक चुकी है। लॉरा को वैसे कुछ भी हुआ नहीं है, वो इस बुक्स की पूरी स्टोरी में है। मूवी का जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, पर अगर आपको पूरी तीनों बुक्स की स्टोरीज एक समरी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं एक शॉर्ट वीडियो उस पर बनाकर डाल सकता हूँ। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।